हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज दिस इज़ अ क्विक रिविजन वीडियो फॉर योर सेकेंड जुलाई एग्जाम चाहे आप ए का दे रहे हो चाहे ए पी एफ सी का दे रहे हो इसके अंदर वेरियस सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे पॉलिटी है हिस्ट्री है करंट का एलिमेंट भी कवर होगा एनवायरमेंट बायोडावर्सिटी भी आ जाएगा इकोनॉमी भी आ जाएगा साइंस भी आ जाएगा सब एलिमेंट्स आ जाएंगे और इस पर्टिकुलर लेक्चर का एक बहुत बड़ा जो बहुत बड़ा क्या मेजरली जो सेगमेंट है वो लिया गया है आपकी प्रतियोगिता दर्पण मैगज़ीन से मैं ये भी बता दूं क्योंकि ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे फिर कमेंट करते हैं कि कॉपी पेस्ट किया है देखो ये बिल्कुल क्लियरली एक बात बता दें आपको कि कॉपी पेस्ट तो हर वीडियो में ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं से होता ही है ठीक है क्योंकि काम मेरा पढ़ाना है मैं टीचर हूँ मैं कोई ऑथर या बुक राइटर नहीं हूँ इंटरनेट के वेरियस सोर्सेस से वेरियस किताबों से वेरियस ई बुक्स से वेरियस पी डी एफ फाइल्स से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के रेफरेंसेज से बहुत कुछ कॉपी किया जाता है उसमें कोई शर्म या उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है जब मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन या लॉ पढ़ाता हूँ तो मैं सरकार के लॉ को भी कॉपी करता हूँ अब आप कहोगे सरकार का लॉ मैं अलग लेकर आऊँ कुछ तो वो तो हो नहीं सकता ना तो ये आगे से प्लीज़ ये चीज़ ना बोला करें कि कॉपी पेस्ट मटेरियल है क्योंकि कॉपी पेस्ट तो होता है खुल के बोल रहा हूँ मैं कोई ये छुपा नहीं रहा हूँ तो प्रतियोगिता दर्पण का इस पर बहुत बड़ा जो है रोल रहेगा इन क्योंकि रिविजन वीडियोज़ के अंदर ठीक है तो मेरा जो कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसके दस से बारह लेक्चर दूँ सैटरडे तक कोशिश ये रहेगी कि सैटरडे तक इसके दस लेक्चर आपको मिलें जिसके अंदर मैं अलग अलग मंथ्स के इन जो रेफरेंसेस हैं पॉइंटर्स हैं या कोई पर्टिकुलर न्यूज है जैसे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ आईपीएल को डिस्कस करूंगा तो उस तरीके की चीजें हम जो है डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आ जाता है पॉलिटी वाला पार्ट तो एक एक करके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते रहेंगे अब किसी को जिसने खुद से प्रतियोगिता दर्पण को बहुत रेगुलरली जो फॉलो करता है और पिछले एक साल की प्रतियोगिता दर्पण आठ महीने की प्रतियोगिता दर्पण उसने ऑलरेडी कवर की हुई है तो वो वीडियो को चाहे छोड़ दे उसके काम की नहीं है ये उन बच्चों के लिए जो प्रतियोगिता दर्पण को जनरली फॉलो नहीं करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पिछले दस महीने की एक साल की प्रतियोगिता दर्पण खोल के देखें तो उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे कुछ लग रही हैं जो मुझे लगता है कि रिविजन के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वो

जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हाइयर कोर्ट है वो किसी जूनियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं ठीक है कि नहीं ये ऑर्डर जो है वो सही नहीं है सो दैट इज योरि उसके बाद ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितना आ, क्या क्या था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपका एक प्रियम्बल था उसमें थ्री फाइव आर्टिकल्स थे 22 पार्ट्स के अंदर वो डिवाइडेड था और आठ शेड्यूल थे शेड्यूल अब बढ़ करके कितने हो गए हैं? 12 ठीक है ओरिजिनली प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स ओके okay. कौन से आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया है कि जो मैटर कॉन्करेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट में नहीं आता यानी कि जो रेजिडियरी सब्जेक्ट है या जो जो रेजिडियरी सब्जेक्ट है ये कौन इसके ऊपर बेसिकली कानून बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में लिखा है आर्टिकल टू फोर्टी एट तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए मिनिमम पाँच जज होने चाहिए करंट सेंशन जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की वो थर्टी फोर है रिट से जिससे कोर्ट लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन कर सकती है सर्ट्यूर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल थ्री नाइनटी फाइव आर्टिकल्स ट्वेंटी टू पार्ट और आठ शेड्यूल थे पार्लियामेंट तो जो रेजुडेरी मेकिंग पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को वो कौन से आर्टिकल के अंडर है टू फोर्टी एट उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल थ्री सिक्सटी ये बेसिकली प्रेसिडेंट को क्या पावर देता है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का जो इंडिया में आज तक नहीं लगी है ओके उसके बाद जो सिटिंग हाउस है पार्लियामेंट का उसको कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है डिजोल्यूशन से तो आपने हाउस को ही डिजोल्व कर दिया प्रोरोगेशन या एडजॉर्नमेंट

उसके बाद जो जज है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो पर है जो बाकी के जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो उनका क्या रैंक है नाइन्थ रैंक है तो कंफ्यूज नहीं होना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में कंफ्यूज हो जाओ उसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लोकसभा स्पीकर के साथ सिक्स रैंक पे आता है और जो बाकी के जज हैं वो नाइन्थ रैंक के ऊपर आते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब स्टेब्लिश किया गया था बारह अक्टूबर नाइनटीन ओके याद रखेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे गवर्नर जनरल कौन थे जब क्रिप्स मिशन इंडिया में आया गवर्नर जनरल रिलेटेड मैं आपको टाइम एंड अगेन बता चुका हूँ कि सारे गवर्नर जनरल की जो जो चीजें हुई थी जिस जिसके पीरियड में वो अच्छे से कर जाना क्योंकि वो पेपर के अंदर पूछेगा एक इसके ऊपर रिविजन वीडियो हिस्ट्री की प्ले में मैं डाल दूंगा इस लेक्चर के बाद लॉर्ड लिलनेत वो आए थे क्रिप्स मिशन जब आया था तब वो गवर्नर जनरल थे जलियावाला बाग के टाइम पर कौन गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैम्सफोर्ड उसके बाद जी लखनऊ सेशन के टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था जब आपका जो है पैक्ट हुआ था लखनऊ पैक्ट जिसको हम बोलते हैं अंबिका चरण मजूमदार उसके बाद जी कौन से इंडियन रेवोल्यूशनरी ने किताब लिखी वाई एम आई आई एम एन अथिस्ट भगत सिंह ने बापू माई मदर ये किसकी किताब है मनु बहन गांधी उसके बाद इंडियाज प्रॉब्लम एंडेड सोल्यूशन ये किसकी किताब थी मनबेंद्रा नाथ रॉय तो तीन किताबें याद रखेंगे उसके बाद महात्मा गांधी ने डांडी मार्च लॉन्च की थी और बारह मार्च को ये लॉन्च की थी तो इसमें कितने इनके साथ फॉलोअर्स थे 78 ये एक एक दिन मैंने आपसे पर्टिकुलर लेक्चर में सवाल भी पूछा था कौन सी दो प्रोविंसेस थी जिनमें नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म हुई थी नाइनटीन थर्टी सेवन इलेक्शन के बाद तो पंजाब और बंगाल दोनों में कांग्रेस मिनिस्ट्री नहीं फॉर्म हुई थी नॉन कांग्रेस थी सत्याग्रह चंपारण के राइटर कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगेन इंपॉर्टेंट है तो हिस्ट्री के कौन से कौन से पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं गवर्नर जनरल क्रिप्स मिशन के टाइम पे लॉर्ड लिनलिथ को जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के टाइम पर लॉर्ड चेंसफोर्ड और इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ सेशन अंबिका चरण मजूमदार इंडियन रेवोल्यूशनरी जिन्होंने किताब लिखी वा आई एम एन एथिस्ट भगत सिंह बापू माय मदर किताब लिखी थी मनुबहन गांधी ने इंडिया प्रॉब्लम सोल्यूशन जो किताब लिखी थी वो लिखी थी मनाबेंद्र नाथ रॉय ने महात्मा गांधी के साथ अठहत्तर लोगों ने उनको फॉलो किया था डांडी मार्च में दो नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो फॉर्म हुई थी 1937 इलेक्शन के बाद पंजाब और बंगाल में सत्याग्रह चंपारण किसने लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे थर्टींथ नवरत्न कंपनी जो जिस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को रिसेंटली मिला इस टाइप के क्वेश्चन सीडीएस ईपीएफओ इन सब एग्जाम्स में यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं तो रेल विकास निगम लिमिटेड ओके उसके बाद मिनी रत्ना कैटेगरी वन स्टेटस भी अभी रिसेंटली दिया था ये दिया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ये करंट अफेयर वाले पार्ट में वो स्टेटमेंट वाइज भी पूछ सकता है कि नवरत्न कौन सी है इनमें से मिनी रत्न कैटेगरी वन कौन सी है इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस इसका क्या नाम रखा गया है रेपिडेक्स ओके कौन सी तीन कंट्रीज ने अनाउंस किया कि वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएंगे श्रीलंका के क्रेडिटर्स के लिए ठीक है जो भी श्रीलंका को लोन वगैरह दे रहे हैं उनके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म होगा तो इसमें इंडिया फ्रांस और जापान आ जाएगा ओके उसके बाद लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया 2022-23 में कौन रहा है यूएसए आई का हेड ए हैदराबाद में लिक्विड फंड्स यानी कि जो स्टॉक मार्केट है आपकी उसको कौन मैनेज करता है इंडिया में सेबी इजी पॉइंट्स हैं मुश्किल नहीं है एक बार दोबारा देखेंगे थर्टींथ नवरत्न कंपनी रेल विकास निगम मिनी रत्न कैटेगरी वन स्टेटस सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रेपिडेक्स तीन कंट्रीज जिन्होंने कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया श्रीलंका क्रेडिटर्स के लिए इंडिया फ्रांस जापान कंट्री जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनी इंडिया की ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में यूएसए आई आर डी आई का हेड क्वार्टर हैदराबाद में इंडिया के लिक्विड फंड सेबी रेगुलेट करता है साइंस के जो पॉइंट्स थे एग्जॉस्टफेयर uh, के अंदर आपको कौन सी कैसेज मिलेंगी जो टॉप मोस्ट लेयर है दो जोग्रफी इज नॉट कम्पलीटली देयर इन ए तो हिलियम एंड हाइड्रोजन है बट साइंस के एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कई बार बच्चे इसको सिर्फ ज्योग्रफी के पॉइंट से देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर प्लेन मिरर आपकी uh, जो है वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है ओके okay, उसके बाद साउंड जो एक बड़े हॉल में क्रिएट होती है उसकी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती हैं ठीक है थीके? वो आपको बार बार सुनती है ना तो उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं रेवरब्रेशन साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है आपके पेपर के अंदर रिद्र फोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल केटरिंग एक्सपेरिमेंट था उससे क्या डिस्कवर किया गया था अल्टीमेटली प्रोटॉन कौन से स्केल के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होती केलविन स्केल केल्विन स्केल कभी भी नेगेटिव में uh, जो है टेम्परेचर नहीं दिखाता ठीक है वो हमेशा पॉजिटिव होता है अगर जैसे सेल्सियस में तो आप माइनस वन माइनस टू ऐसे जाते हो ना जीरो के बाद उसमें वो भी पॉजिटिव में ही रहेगा साइडनाइट पॉइजनिंग से सडन डेथ क्यों हो जाती है क्योंकि कार्डियक अरेस्ट कॉज करता है वो ओके उसके बाद जीन कंट्रोल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस से जीन कंट्रोल करेक्टर जीन कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है टिथ एंड की स्टडी को ऑडोन्टोलॉजी बोला जाता है ओके okay, उसके बाद एक्यूरेट मस्ट हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ वेरी लो वैल्यू अगर आपका जो अमीटर है जो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है तो उसकी लो वैल्यू होनी चाहिए वैक्यूम क्लीनर आपके सक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है तभी तो वो सब जो डस्ट होता है या जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको सक कर लेता है एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी की बात करें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने अपने करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया है टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया टाइगर पॉपुलेशन सेंसस 2022 के हिसाब से है थ्री वन सिक्स सेवन टाइगर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना काफ़ी हाई चांसेस आएगा ठीक है ग्लोब गोल्डमैन एन्वायरमेंटल प्राइज ट्वेंटी में कितने एक्टिविस्ट को प्राइस दिया गया छः इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ दो इसको ठीक है द मेजरमेंट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ग्लोबल हेक्टेयर्स में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मेजर किया जाता है ओके ग्रासलैंड के अंदर कभी भी ग्रास को ट्री क्यों नहीं रिप्लेस करते क्योंकि वहाँ पर वाटर की एक वाटर के ऊपर स्ट्रेंथ होता है वाटर लेवल्स के ऊपर और फायर जो होता है वो ट्रीज की ग्रो में क्योंकि पेड़ को तो लंबा समय चाहिए ना उतने समय में दोबारा आग लग जाती है उसके बाद एनवायरमेंट का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है नेगेटिव या पॉजिटिव हेल्थ पे लेबर पे एजुकेशन पे उसको हम क्या बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट ओके देन एक लैंडस्केपिंग होती है जिससे स्पेशली यूज किया जाता है वाटर सेव करने के लिए उसको बोला जाता है जैरी स्केपिंग, जैरी स्केपिंग ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, है उसके बाद मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदिनी गुप्ता राजस्थान से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया था सुदान से इंडियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए लेकर के आने के लिए रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन कावेरी पूछा जाएगा पेपर में हिंदू फेस्टिवल जिसको नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है पेंसिल्वेनिया में दिवाली और थर्टी फर्स्ट मेंबर कंट्री ऑफ नाटो फिनलैंड पूछा जाएगा पेपर में नेक्स्ट इस बार का आईपीएल भी अभी रिसेंटली खत्म हुआ है तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट चेन्नई सुपर किंग्स जिसको महेंद्र सिंह धोनी लीड कर रहे थे उन्होंने ये ये पर्टिकुलर मैच जीता है ओके okay, और ये फिफ्थ टाइम सी एस के ने मैच जीता है गुजरात टाइटन्स को हरा करके ट्वेंटी नाइन्थ में कोई मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में तो एक तो ये फिफ्थ टाइम एड सी एस के की जो विन है ये याद रखना है नंबर ऑफ टाइम्स और अहमदाबाद के अंदर हुआ था ये याद रखना है एडिशन था ये याद रखेंगे फाइनल हुआ था सी एस के और गुजरात टाइटन्स के बीच में ओके सी एस के जो प्लेयर थे देवान कॉनवे इनको एज प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच डिक्लेयर किया गया जिसको हम मैन ऑफ द मैच बोलते हैं याद रखेंगे गुजरात टाइटन्स के शुभम गिल को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बोला गया है इन, इन्होंने साथ ही साथ ऑरेंज कैप भी जीता जो हाईएस्ट रन गेटर को मिलता है आईपीएल के अंदर नंबर ऑफ रन जो इन्होंने स्कोर किए वो इंपॉर्टेंट नहीं है मोहम्मद शमी जो गुजरात टाइटन्स के थे इनको पर्पल कैप मिला लार्जेस्ट विकेट टेकर थे ये इस टूर्नामेंट के अंदर उसके बाद सीएस के को ट्वेंटी करोड का प्राइज मिला फॉर बींग चैंपियन और गुजरात टाइटल्स को ट्वेल्व पॉइंट फाइव करोड्स का शुभम गिल को गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी मिला है। उसके अलावा राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जयसवाल को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला डेली कैपिटल्स को फेयर प्ले ऑफ द सीजन अवार्ड मिला एंड ग्लैन मैक्सवेल को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला ये सारे नाम याद रखने हैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर के अंदर सो दिस वॉज द फर्स्ट क्विक रिविजन गाइस स्पीड के बारे में आप कमेंट में बता देंगे क्योंकि मैं बहुत तेज चलाऊं इसके अंदर और वो डेलिबरेटली चलाऊं ठीक है तो अगर वो डेलिब्रेशन आपको ठीक लगा है क्योंकि अल्टीमेटली देखो वीडियो को तो उतना ही रखना है दस से पंद्रह मिनट बीस मिनट ठीक है मैक्सिमम वीडियो को रखने का टारगेट उतने का ही है क्योंकि क्विक रिविजन वीडियो का जो मोटिव है वो ये है कि बस फटाफट से फैक्ट्स जो हैं वो दिमाग के अंदर घुसते जाए ओके और एक मैं सवाल आपके साथ बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर आप बहुत छोटे वीडियो बनाते हो बड़े क्यों नहीं बनाते हो बेटा मेरा पंद्रह मिनट का कंटेंट और बाकी के यूट्यूब चैनल्स का एक घंटे का कंटेंट कंपेयर कर लेना ठीक है गारंटी है मेरा पंद्रह मिनट का और बाकी के यूट्यूब चैनल्स का एक घंटे का कंटेंट कंपेयर कर लेना मैं क्योंकि जब पढ़ा रहा होता हूँ उसके बीच में मैं बकवासे नहीं करता अगर मुझे आपसे कोई बातें भी करनी होती है तो वो मैं लेक्चर की स्टार्टिंग में या लेक्चर के एंड में करूँगा अगर बीच में मैं कोई बात बताऊँगा भी तो उसमें मैं ना तो अपनी तारीफें करता हूँ ना मैं दूसरों की बुराइयाँ करता हूँ मैं अगर बीच में आपसे कोई बात करूंगा भी वो भी आपके किसी न किसी तरीके से प्रिपरेशन रिलेटेड ही होगी ओके okay, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय